हेलो फ्रेंड्स, हम खेड़ा गांव में गए थे और खेड़ा गांव में हमें कॉल आया था कि वहां पे एक स्नेक है। वहां स्नेक रेस्क्यू करने गए थे तो वहां पे एक स्कॉर्पियो भी हमको मिला, बिच्छू, और एक कॉमन सेंड गुआ सांप हमने वहां से रेस्क्यू किया है और अब हम इनको जंगल में रिलीज़ करने आए हैं। तो देखिए आप, मैं पहले आपको स्नेक दिखाता हूँ, कॉमन सेंड गुआ। हमने सब खोदा और बहुत मेहनत कराई इसने, और अभी हमने इसको निकाल लिया है। इसको हल्की सी खरोच चाहिए, हालांकि कुछ ज्यादा नहीं आई है, केवल उसकी काष्ठी थोड़ी सी निकली है। ये एक कॉमन सेंड गुआ सांप है जो कि मिट्टी के अंदर रहता है। इसी को लोग कहीं अजगर समझ बैठते हैं और कई लोग इसको रसल वाइपर समझ बैठते हैं, और रसल वाइपर भी इसकी ही तरह होता है। ये क्या करता है, इसकी इस सांप की खासियत है कि ये मिट्टी के अंदर रहता है ज्यादातर, और बिल्कुल शांत हो जाता है। इसको कोई छेड़ता है तो बिल्कुल सुगट के और बैठ जाता है और एकदम से बाइट करता है। आपने एक वीडियो में देखा होगा, इसने मुझे बाइट भी कर लिया था। इसे अब हम बाहर ले आते हैं। दो नहीं, नहीं, एक तो देखिए, इस सांप को जैसे ही हाथ लगाएंगे हम, तो ये बिल्कुल सुखड़ के बैठ जाएगा। ये मुंह छुपा लेगा अपना, ये मुंह छुपा लेगा और फिर एकदम से लपकेगा इस पे। देखो बिल्कुल, ये जो है ना, इस पे एकदम से बाइट करेगा। काफी जोर से काटता है ये भी। अभी ये वैसे भाग रहा है। ये देखा काटा, ये अपने मुंह को पहले तो छुपाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही छुपा लेगा ना, उसके बाद फिर वो बाइट कर लेगा। ये काटा है, मतलब ये रसल वाइपर की तरह बाइट करता है। पहले बिल्कुल शांत हो जाएगा, अपने मुंह को सुकुड़ के और बिठा लेगा, मुंह को अंदर छुपा लेगा और फिर एकदम से लपक के और बाइट कर लेगा। इसको जैसे ही कुछ हाथ लगाएंगे तो ये मुंह को अपने छुपा लेगा और फिर लपक के एकदम से झटके से बाइट करेगा। ये इस टाइप से ये बाइट करता है। हालांकि इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं आता है। इसका नाम कॉमन सेंड गुआ है और ये अधिकतर मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, खोली जगहों पे ये रहते हैं। इसको कुछ भी करेंगे तो ये अपना मुंह छुपा लेगा, इस टाइप से मुंह छुपा लेगा और फिर उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो बाइट करेगा। ये जैसे ही मौका मिलेगा वो बाइट कर लेगा। तो अब इसे हम थैली में डाल लेते हैं। डाल दिया।
और बाकी जो काटी खाएगी। एक वीडियो में इसने मुझे बाइट ही किया था अभी कुछ दिनों पहले और काफी जोर से बाइट करता है। और ये अजगर और रसल वाइपर की तरह थोड़ा दिखता है लेकिन ये ना अजगर है और ना रसल वाइपर है। रसल वाइपर जहरीला होता है और अजगर नॉन बिना जहर वाला होता है लेकिन ये कॉमन सेंडुआ है, ये भी बिना जहर वाला होता है। अब इसे हम जंगल में बिल्कुल रिलीज कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, हम खेड़ा गांव में गए थे और खेड़ा गांव में हमने हमें कॉल आया था कि वहां पे एक स्नेक है, वहां स्नेक रेस्क्यू करने गए थे तो वहां पे एक स्कॉर्पियो भी हमको मिला बिच्छू और एक कॉमन सेंड गुआ सांप हमने वहां से रेस्क्यू किया है और अब हम इनको जंगल में रिलीज करने आए हैं। तो देखिए आप, मैं पहले आपको स्नेक दिखाता हूँ, कॉमन सेंड गुआ, और इसे अब जंगल में हम रिलीज़ कर देते हैं। काफ़ी परेशान किया है इसने और बहुत थका दिया था। ये कॉमन सेंड गुआ सांप है और अब इसे हम देख सकते हैं। ये इसे कई लोग अजगर समझते हैं, कई लोग इसे रसल वाइपर समझते हैं। वैसे ये जो मूवमेंट करता है वो रसल वाइपर की तरह ही करता है। यदि इसे कुछ भी खतरा महसूस होता है तो ये रसल वाइपर की तरह अपना मुंह छुपा लेता है और इकट्ठा हो जाता है और फिर एकदम से ये जैसे देखिए ये बिल्कुल इकट्ठा हो गया और जैसे ही उसे खतरा दिखता है तो वो बिल्कुल बाइट करने के लिए लपकता है। देखिए ये बाइट करने के लिए बिल्कुल सीधे मूवमेंट करता है। ये बिल्कुल लपकता है बाइट करने के लिए, जैसे अपने मुंह से ये इस टाइप से बिल्कुल लपकता है और रसल वाइपर भी इसी तरीके से बाइट करता है। तो अब हम इसे रिलीज कर देते हैं फॉरेस्ट में ताकि ये चले जाए। स्कॉर्पियो को रिलीज करते हैं जंगल में। ये स्कॉर्पियो है, ये देख सकते हैं आप स्कॉर्पियो को, ये देखिए ये स्कॉर्पियो है। इसमें भी काफी खतरनाक जहर होता है और इसका जहर वैसे सबसे महंगा भी होता है। आप देख सकते हैं इसे और इसके जो पीछे डंक होता है इसी में जहर होता है। ये जो इसका डंक है इसी में जहर होता है। कर दिया। तो अब हम इसे भी रिलीज कर देते हैं। ये भी काफी जहरीला होता है, इसके पीछे जो डंक होता है इसी में जहर होता है। तो अब हम इसे भी फॉरेस्ट में रिलीज कर रहे हैं और देख सकते हैं आप अब इसे भी। कर दूंगा।